today we are going to complete our business environment, which is third unit. A small topic was left. I thought कि हम topic school में आगे कर लेंगे, but now I believe कि we must complete it, क्योंकि एक topic को छोड़ के कोई फायदा नहीं है. So we just complete it today. Okay? So the topic is impact of changes in government policy on business and industry. हमने इससे पहले पढ़ा था economic reforms के बारे में. In 1991, there were many economic reforms that came into being, like LPG, and many steps we have taken for the economic reform. अब उसका हमारे business और industry पे क्या impact पड़ा? Impact means उसका क्या असर पड़ा? वो हम आज पढ़ेंगे. तो क्या असर पड़ा? ये ऐसे points हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा this is quite obvious. मतलब ऐसा है कि ये तो होना ही था, ये तो होता ही. तो वही पॉइंट्स हैं. अगर आप समझेंगे इट इज वेरी इजी. इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बट वी हैव टू डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सो वी आर जस्ट डूइंग इट. तो इसको, इसमें से कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आता है. इट इज जस्ट एक सीधा कोई थियोरी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वेरी रेयर, बट वी हैव टू डू. सो जस्ट वी विल डू द ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक. अब इसमें इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट इम्पैक्ट है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले ही बताया हुआ है कि जब हमने लिबरलाइजेशन किया, बहुत सारे वी हैव रिमूव्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंसिंग सिस्टम कंट्रोल्स. जब इतने कंट्रोल्स हम हटा देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, देयर विल बी इजी ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. तो उससे सब क्या होगा? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. वेन लिबरलाइजेशन आएगी इकोनॉमी में, तो देयर विल बी मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, देयर विल बी मेनी न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट इन द मार्केट. तो उससे क्या होता है? कंपटीशन बढ़ता है. एंड कंपटीशन बढ़ने का एक फायदा सबसे बड़ा जो कंज्यूमर्स को होता है वो ये होता है कि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन द प्रोडक्ट्स प्राइस डिक्रीजेस. क्योंकि जब देयर इज ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट तो प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, जिसका फायदा कंज्यूमर को होता है. प्लस उसको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है तो एवरी कॉम्पिटिटर, एवरी प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस समथिंग इनोवेटिव टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स. तो उससे क्या होता है? कंज्यूमर्स को ये फायदा हो जाता है कि कंज्यूमर्स को अच्छे इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट टू ऑन अ चीपर प्राइस. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को होता है कंपटीशन इंक्रीज होने का. सेकंड पॉइंट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. अब जब कस्टमर्स को नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी कंट्री में, तो उससे कस्टमर्स क्या हो गए? मोर डिमांडिंग. डिमांडिंग मीन्स नाउ दे वॉन्ट एवरीथिंग न्यू. पहले ये होता था कि चलो एक चीज आ रही है, दे आर सेटिस्फाइड कि चलो यही आएगा, वी हैव टू यूज दिस. बट नाउ दे नो कि थिंग्स आर चेंजिंग, इनोवेशंस आर कमिंग, सो नाउ दे आर हैव बिकम मोर डिमांडिंग. वो और ज्यादा कुछ, उनको हर बार कुछ नया चाहिए, कुछ नया फैशन चाहिए, तो वो थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा हो गए. नेक्स्ट पॉइंट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बहुत रैपिड चेंजेस आए. हाउ? बिकॉज नाउ जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, पहले क्या था, इंडिया में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वी हैव टू यूज इट, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कम है. But when, after globalization, when the people are free to sell their products in each other's country, import-export easy ho gaya, to technology dusre country se hamari country mein aane lagi, usse technological environment pe bahut sare changes aaye. Necessity for change. Necessity for change means industry ko, businessmen ko ye necessity feel hone lagi, ye zarurat feel hone lagi ki hame change hona padega. Agar hum change nahi honge, agar hum purane traditional ways mein hi kaam karte rahenge, तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे. वी हैव टू कोप अप विद इट. अगर कुछ नया आ रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज खुद को करना पड़ेगा टू इंक्रीज अवर बिजनेस, टू फ्लरिश अवर बिजनेस. नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप होने की जरूरत पड़ी. कैसे डेवलप हुआ? पहले जिन लोगों को जो काम नहीं आता था उनको हमें वो काम सिखाना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले हर काम मैनुअली होता था, हाथ से होता था. अब हर काम कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर्स पे होता है. लाइक जब आप पहले मार्केट जाते थे तो शॉपकीपर हर चीज जो बिल बना के देता था वो आपको हाथ, हैंड रिटन बिल, अभी भी होता है हैंड रिटन बिल होता है. बट इफ यू गो टू अ गुड शॉप और सम फॉर एग्जांपल मॉल्स, और यू गो इन अ बिग जो भी बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वहां अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट कंप्यूटराइज्ड बिल्स. सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल वर्क टू कंप्यूटराइज्ड वर्क. तो अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जिसको कंप्यूटर नहीं आता, वी हैव टू ट्रेन देम, हमें उनको सिखाना पड़ेगा हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर.
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की बात करें सिनेरियो की, टीचर्स को ऑनलाइन, अब हमने कभी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे नहीं ली थी, हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को पढ़ाया, इस तरह से हमने कभी नहीं पढ़ाया था। लेकिन बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आर, आज जो सिचुएशन है उससे कोप अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वी हैव टू टेक, वी आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस हो रही हैं, तो टीचर्स आर ऑल्सो, अब हम भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नया ट्रेन कर रहे हैं खुद को। तो ये सब चीजें उस टाइम भी करनी पड़ी जब एलपीजी हुआ, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हमें बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत पड़ी। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब कि मार्केट कैसा था और कैसा हो गया। पहले मार्केट, आप इसमें एक वर्ड पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, अब क्या हो गया, कस्टमर, यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड लिखा बट इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मतलब प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस कर दिया, पीपल हैव टू यूज इट, जो चीज वो बनाएगा वही कस्टमर को यूज करनी पड़ेगी। बट नाउ द मार्केट इज कस्टमर ओरिएंटेड, अब कस्टमर को जो चाहिए प्रोड्यूसर को वो बनाना पड़ेगा इफ ही वॉन्ट्स टू ग्रो हिज बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में पैसे की कमी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज कहां चली गई, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में पैसा कहां से आएगा, तो इसीलिए ये भी एक लॉस हुआ। क्लियर है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो देन आई क्लियर इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक पॉलिसीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट पड़ा, अब हम पढ़ेंगे कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। प्राइवेटाइजेशन मतलब व्हेन द इंडस्ट्रीज वर शिफ्टेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पहला क्या हुआ, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन अगेन, क्योंकि अब प्राइवेट लोग भी वो बिजनेस कर सकते थे जो पहले नहीं कर पाते थे, जो इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर में थी कि ओनली गवर्नमेंट कैन डू दैट बिजनेस, नो प्राइवेट पर्सन कैन डू, अब वो भी प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में आ गई, तो नाउ पीपल कैन डू दैट बिजनेस ऑल्सो, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना, जब वो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में थी तो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती थी, देखती थी कि कितना पैसा लग रहा है, क्या बन रहा है, कितनी कमाई हो रही है, एवरीथिंग। बट नाउ क्योंकि वो इंडस्ट्री किसमें आ गई, अब किसमें आ गई, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट पर्सन अगर अपना बिजनेस कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, खुद का कमाई कर रहा है, उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं हो सकता, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ गई, बढ़ गई सबकी, बढ़ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबकी, किसकी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट पर्सन की मेनली। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना एक तरह से ये भी हो गया कि पहले जैसे आपने सुना होगा कि पब्लिक सेक्टर में काम नहीं होता, गवर्नमेंट का, जैसे हम कहते हैं ना गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं वो इतना काम नहीं करते जितना प्राइवेट लोग करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कोई छीन नहीं सकता, आपने कोई क्रिमिनल केस ना कर दिया हो, आप अगर एक बार जॉब में लगे तो आपकी, कहते हैं ना परमानेंट जॉब लग गई अब तुम्हारी, वहां पे आप काम करो या नहीं करो आपको आपकी सैलरी टाइम पे मिलेगी, बहुत सारे और एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना ज्यादा जाते हैं, तो लेकिन वहां काम कम होता है क्योंकि उनको लगता है कि हम काम करें या ना करें सैलरी मिल जानी है, काम से हमको निकालेगा नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, काम भी करना पड़ेगा और आपके ऊपर तलवार भी रहेगी कि कल को आपको अगर आपसे बेटर कुछ कोई मिल गया आपके बॉस को तो वो आपको कभी भी निकाल सकता है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से नहीं करेंगे यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द जॉब, मतलब आपको अगर आपको वहां रहना है, टिके रहना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है किसकी, प्रोड्यूसर्स की या बिजनेसमैन की, कि अगर हम अच्छा नहीं बना के देंगे प्रोडक्ट, अच्छा कुछ नहीं करेंगे तो हम बिजनेस में ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वही पॉइंट आ जाता है कि अगर हम अपने अपने आप को अच्छा नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, अपनी एफिशिएंसी, अपना काम को अच्छा नहीं करेंगे तो हम टिक नहीं सकते। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ना इतने सारा जब कॉम्पिटिशन आएगा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, कमाएंगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो इन सब का फायदा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्रीडम इन मैनेजमेंट, पहले फ्रीडम नहीं थी क्योंकि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था, अब प्राइवेट हैंड्स में है,
तो वहां पे फ्रीडम मैनेजमेंट के पास ज्यादा है, वो अपने तरीके से काम कर सकती है, अपने जो भी वो तरीके अपनाना चाहती है वो कर सकती है बिजनेस को फ्लरिश करने के। क्लियर है? तो दीज वर द टू पॉइंट्स। अब इसमें जो लास्ट आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। ये पॉइंट ऐसा है, इसमें आपको सिर्फ मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब अगर बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो एक मैनेजर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, हमने पांच डायमेंशन पढ़े हैं एनवायरमेंट के, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, अगर इन पांचों एनवायरमेंट में से किसी में भी या सब में कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंज को एक मैनेजर कैसे कोप अप करेगा। उस मैनेज एक मैने, आप एक मैनेजर हो तो आप उस चेंज से लड़ने के लिए, खुद को बचने के लिए, जो हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था कि अगर कोई थ्रेट आ रही है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। हमने जो स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको कराया था उसमें आपको दो चीजें बताई थी कि जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो पॉजिटिव होती हैं, जो थ्रेट्स होता है वो नेगेटिव होता है। तो एज अ मैनेजर हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप वो कैसे ग्रैप करोगे, कैसे उसका फायदा उठाओगे, और अगर कोई थ्रेट आ रही है तो उससे खुद को कैसे बचाओगे। ठीक है? तो आप इस टॉपिक को एक बार आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है निर्मा का, कि निर्मा कंपनी जो थी उसने कैसे एक चेंज को कोप किया, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड यूनिट, दैट वाज बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट यूनिट प्लानिंग। सो प्लीज यहां तक का ये क्लियर कर लीजिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर, बिकॉज अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस पढ़े थे, अब हर यूनिट हम एक एक फंक्शन की करते जाएंगे। ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।